All right. तो हम आपके दोस्त के ऑफिस आए हैं. जी हाँ. ठीक है. देखते हैं जी कौन हैं इनके दोस्त. अभी तक सरप्राइज है कि इनके पास जा रहे हैं हम. अस्सलाम वालेकुम. हाँ जी. फिज़ा हैं. अक्सर कम लोगों को देखा है लड़कों को खास तौर पे जो अपने दोस्तों से मिलने जाते हैं तो खूब तैयार होके जाते हैं. हाँ अब तो पूरे शो में ना इनके बाल बने हुए थे ना इन्होंने घड़ी भी नहीं पहनी हुई. नहीं घड़ी पहनी हुई थी. ओके तो पूरा शो जो है हमने आधा शो बारिश में निकाला है आधा शो जो है हमने बस किसी तरीके से बाल भाई आपने तो छतरी लगाई हुई थी ना. मैंने तो नहीं लगाई हुई थी तो मैंने कहा थोड़ा फ्रेश हो जाऊं. ऑलराइट तो सबसे पहले मैं आपके फ्रेंड्स को इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ जिनसे हम लोग मिलने आए हैं. जीशान खान जो कि प्रोड्यूसर हैं और हुमायूं का कहना यह है कि हमारी प्रोड्यूसर और एक्टर वाली दोस्ती नहीं है. हमारी दोस्ती जो है वो उससे हट कर है. और आज इत्तेफाकन ये हमारी भी खुशनसीबी है कि जी हमारी मुलाकात एहसन तालिश द वेरी रिनोन्ड डायरेक्टर से हुई है जिनके बड़े बड़े ड्रामे आप लोग देख रहे होते हैं बड़े बड़े पोस्टर छपरे होते हैं बड़ी बड़ी रेटिंग्स आ रही होती हैं. अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप. मैं बिल्कुल खैरियत से और ये अच्छा इत्तेफाक था बकौल जीशान के हसीन इत्तेफाक आज हुआ कि हुमायूं आ गया. अभी आप बात कर रही थी कि ये तैयार नहीं होता. मैंने तो इसको जब भी देखा इज ऑलवेज ड्रेस्ड अप. लगता ऐसे है कि ये इज ऑलवेज ड्रेस्ड अप. बट इन माय शो दिस टाइम इट वाज लाइक नो डोंट इवन यूज अम्ब्रेला इट विल लुक नेचुरल फुल डायरेक्शन चल रही थी. यार बारिश हो रही है उसमें अम्ब्रेला लेके क्या बात है. आप बारिश एंजॉय करते हैं ना. अम्ब्रेला जरूरी है और आप लोग चाहे ऊपर रखे ना रखे हाथ में रख लो. कराची पूरा खैबाने वीनस बना हुआ था तो आप मजा भी आया होगा. So, वैसे आपने साथ में काम नहीं किया ना हुमायूं और एहसन. आपने नहीं हमारा अभी तक नहीं एहसन भी किया है. हाँ एक प्ले हमने किया शॉर्ट प्ले जब आपके बाल लंबे थे. सो बिफोर वी आस्क जीशान के कैसे दोस्त हैं हम आपसे पूछते हैं डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू कैसे एक्टर हैं. ही इज अ गुड एक्टर. हां सॉलिड एक्टर है ये. व्हाट इज अ गुड एक्टर. देखें दो चीजें होती है ना एक व्यूअर को पसंद आए और एक एक्टिंग अच्छी करे. वो दोनों चीजें इसमें हैं. और अभी इसकी जो फिल्म आ रही है माशाल्लाह तो आप देखिएगा उसमें इज कम आउट रियली गुड. ओके चलें जी वी आर लुकिंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह गुड लक. खूब सारी बातें की लेकिन अभी तक दोस्ती पे बात नहीं हुई. जी हुमायूं और मेरी एक्चुअली दोस्ती नहीं है बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है. 3 years ago when I started off. आजकल वैसे 3 साल भी नहीं रहती दोस्ती. जी नहीं हमारी तो काफी अच्छी दोस्ती है. पुरानी कंसिडर कर लें तो आप इसे पुरानी कंसिडर कर लें. मगर हमारी दोस्ती हुई मेरे एक प्रोजेक्ट पे हुमायूं उस पर कास्ट हुआ था एंड देन यू नो हम लोग वहाँ मिले और फिर उसमें कुछ क्योंकि मेरा पहला बड़ा प्रोजेक्ट था तो मुझे आई वॉज वेरी न्यू आई वॉज लर्निंग सो यू नो ही हेल्प मी आउट अ लॉट. और फिर हमारी एक दोस्ती हो गई. फिर हम शूट के बाद भी मिलना शुरू हो गए और फिर सारे बहुत सारा वो आप ये होता है कि पूरा रमज़ान हम साथ होते हैं या ये रोज़े पे मेरे घर आता है या मैं इसके साथ कहीं चले जाता हूँ. ईद भी हमारी इकट्ठी गुजरती है तो बर्थडे भी साथ गुजरती है. वैलेंटाइन भी साथ गुजरती है. बात हुआ कि दोस्ती का ताल्लुक जो है वो उसको टाइम फ्रेम में मत लेके. हाँ ये बेसिकली आपका किससे दिमाग मिलता है जेलिन हो जाते हैं आप किसके साथ आपको मजा आता है यू नो इट्स मोर लाइक कि अब जिस तरह की हम दुनिया में रहते हैं वहाँ पे किसी के पास दूसरे के लिए टाइम नहीं है. सो जब कोई आपको टाइम दे और फिर आपको वो क्वालिटी ऑफ यू नो मज़ा है आपको उसके साथ वो टाइम स्पेंड करके. सो दैट्स द थिंग यू नो वी रियली एंजॉय ईच अदर. और हमारी जारी बात है हम सब एक दोस्त हजरात हैं. एक हमारे दोस्त जो हैं वो भी लंदन गए हैं वरना वो भी आपको इत्तेफाक से मिल जाते हैं यहाँ पे आज तो. अच्छा यहाँ पर एक जो आर्टिस्ट हैं वो हैं स्क्रीन के आगे टीवी के डब्बे में हमें नज़र आते हैं. दो लोग ऐसे हैं जो कि टीवी के पीछे स्क्रीन के पीछे काम कर रहे होते हैं तो ये कभी कभी दोस्ती को अफेक्ट क्योंकि आप लोगों के भी दोस्त होंगे जो कि स्क्रीन आर्टिस्ट होंगे बड़ी अच्छी उनसे बैक ऑफ कैमरा भी बड़ी दोस्ती होगी लेकिन कभी होता है स्टारडम अफेक्ट कर जाती है उस दोस्ती को. मुझे तो शायद नहीं करती क्योंकि काम हमेशा ऊपर ही रहता है स्टारडम से. स्टारडम काम की वजह से ही होता है लेकिन मुझे भी नहीं लगता कि जब हम दोस्त आपस में मिलते हैं तो इस तरह का तो कोई फैक्टर होता ऐसा, नहीं ऐसी कोई चीज नहीं. अच्छा तो फिर लड़कियां फैन इनकी ज्यादा हैं आपकी. जी जी इनकी बहुत फैन है भाई लड़कियां. इनकी तो ऐसी फैन है कि मैं आपको क्या सुना दूं वो किस्सा. सुनाए प्लीज. इन्होंने कुछ नहीं सुना. मैं एक प्रोजेक्ट शूट करके आ रहा था पीर सुहावा से तो मैंने लाहौर जाना था. मैं बड़ा बोर हो रहा था और एक मेरा जो एडी है वो गाड़ी चला रहा था मेरी. अच्छा। और मैं आ रहा था तो मुझे एकदम से फेसबुक पे एक मैसेज आया. वो जस्ट ब्राउजिंग
तो मुझे मैसेज आया कि हाय हेलो. मैंने भी जवाब दिया उस लड़की को, तो कहने लगी मुझे आपसे बड़ा जरूरी काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है. तो मैंने कहा जी बताएं. हुमायूं से बात कहती है जी मुझे हुमायूं अशरफ से शादी करनी है. शादी स्ट्रेट स्ट्रेट शादी है, ज्यादा लंबी चौड़ी गपशप नहीं. मुझे बड़ी पसंद आई इसलिए मैंने फिर उससे गपशप भी शुरू कर दी. मैंने कहा लेकिन तुम कह रही हो डायरेक्ट शादी, हो सकता है ना करे, हो सकता है उसे कोई और पसंद हो. कहती है नहीं नहीं ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है, मैं दुआ करूंगी. तो वो मैंने कहा वो नाम माना. कहती है नहीं आप ऐसा करिएगा ना, आप उनसे बात करने से पहले ना मुझे बताइएगा, मैं पहले दुआ करूंगी फिर आप जाके बात कीजिएगा. वो क्यों मना करे, वो मन्नत तो इतनी क्या था? इतना मतलब वो शी वाज श्योर कि उसकी कॉन्फिडेंस को देख के ना मुझे हुआ यार क्या जबरदस्त ये जो है ना वो है. कि और कहने लगी मैं कोई उनकी फैन वैन नहीं हूँ बहुत बड़ी, मतलब मैं उनको भी रिसेंटली देखा है एक ड्रामा, लेकिन यू नो आई रियली लाइक हिम और मैं उनसे शादी करूंगी. ये बताएं आप दोनों में से पहली मुलाकात किसने की? ये क्या हुआ एक्चुअली, क्या हुआ कि उस लड़की को आने का चलो हम लोग मिलते हैं. अच्छा कौन हम लोग, आप और वो या हम तीनों? बिकॉज वो मुझे नहीं पता था कि ये से बात करेंगे. मैंने ये मैसेजिंग तो ये कर रहे थे, मैसेज भी पहला इन्हीं को आया उसको नहीं आया. मैं तो बीच वाला, मैं तो वो था जो शादी कराने वाली माई होती है ना, वो तो असल तो वो उसके लिए कर रहा है. सो वो आई वेंट टू लाहौर और जैसे मैं लाहौर में इसका फोन आया कि मैं लाहौर में. सो वो हम मिले और मेरे वो मिलते ही नहीं आपा जो है उनके घर हम मिले नेमा खान के घर. तो वो हमने वहीं पे मैंने उसको बताया कि भाई वो इस तरह ये खातून है पूरे मैसेज वैसेज मैंने पढ़ाए. मैंने कहा तो अब तुम जल्दी से बताओ क्योंकि वो इतनी स्पीड में है तो हो सकता है कि अभी इसी ट्रिप में अगले 4-5 दिन में शादी वादी भी हो जाती है. इन्होंने वैसे आज उनके साफ किया है कि ये वेरी वेरी सिंगल है. वेरी वेरी अब जब इन्होंने वैलेंटाइन कौन साथ था भाई, मैंने इसको एक दिन पूछा, मैंने कहा कि भाई तुम बड़े दिन से नहीं आए हो तो तुम किन लड़कियों के चक्रों में हो, किसके साथ तुम्हारा चल रहा है जो तुम बिल्कुल ही मिल ही नहीं रहे हो. तो कहता है भाई मैंने बर्थडे किसके साथ मनाई, मैंने कहा मेरे साथ. कहता है वैलेंटाइन किसके साथ मनाई, मैंने कहा मेरे साथ. कहता है न्यू ईयर नाइट में कहा था मैं चलता हूँ भाई. तो वो मेरे साथ, लेकिन उसके बावजूद माशाल्लाह हुमायूं ने एक बड़ी भरपूर जिंदगी गुजारी है. तो एक दफा मैं इससे मजाक करता था, मैं इसे कहता था कि हुमायूं तुमने जो है ना इतनी गर्लफ्रेंड्स थी इसकी इंडस्ट्री में, इसकी इतनी गर्लफ्रेंड्स थी इंडस्ट्री में इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स थी हुमायूं की, कि मैं ऐसे कहता था कि यार एक डील है कि या तो हम तुझे कास्ट करेंगे या फिर तेरी किसी एक्स गर्लफ्रेंड को कास्ट करेंगे, बगैर उसके हम प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे. तभी आपका ड्रामा हिट हो सकता है. तो फिर कई ड्रामे बनाए ना, तो उसमें हर बार ये होता था कि या तो हुमायूं होता था या इसकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड हमारे साथ होती थी. फिर एक बार ऐसा है, मैंने कहा हुमायूं अब लड़कियां कम पड़ रही है तो मेहरबानी करके तुम जो है ना जल्दी जल्दी मजीद आगे गर्लफ्रेंड्स और बनाओ. अभी 3 मूवीज रिलीज हुई है ईद पर, सुपरस्टार, परे हट लव और हीर मांझा. तो कोई रिव्यूज देना चाहेंगे, कोई मूवीज आपने देखी है अभी तक? सुपरस्टार देखी एंड आई थिंक इट्स अ गुड फिल्म, इट्स अ कंप्लीट फिल्म. बाकी दो मैंने नहीं देखी हैं और दोनों की तारीफ सुनी है कि दोनों okay. बाकी दोनों फिल्में भी अच्छी हैं. मुझे चूंकि इत्तेफाक हुआ उसके प्रीमियर पे जाने का, तो आई थिंक सुपरस्टार इज अ गुड फिल्म और बाकी दो फिल्मों की भी बहुत अच्छी रिपोर्ट आ रही है. सुपरस्टार की हाईलाइट क्या है? सुपरस्टार की हाईलाइट सुपरस्टार हाँ वो सुपरस्टार ही. बट आई रिमेंबर हसन भाई टेलिंग मी लास्ट नाइट, क्योंकि मैं इनसे ये डिस्कस कर रहा था बात मूवी के हवाले से, सुपरस्टार के हवाले से, बिकॉज बहुत सारी बातें हुई थी. तो इन्होंने मुझे कहा कि मायरा इज़ डन एन अमेजिंग जॉब. सो सारे वो लोग जो कह रहे थे कि मायरा ने कैसा काम किया, क्या शी इज़ डन एन अमेजिंग जॉब व्हाट ही टोल्ड मी लास्ट नाइट. And I haven't seen any of it wrong. Yes, yeah. prove every. मतलब हर एक का अपना अपना नजरिया है. मुझे ऐसा लगता है माहिरा एक अच्छी एक्ट्रेस तो है, no doubt. बाकी सुपरस्टार है. लेकिन मैं एक ही मर्तबा मिला हूँ सिर्फ, हाय हेलो हुई है. मुझे लगता है वो बहुत अच्छी इंसान है. नहीं बहुत अच्छी इंसान. ये सबकी यही. तो एक सुपरस्टार एक पूरा पैकेज होता है. It's a package. Exactly. It's a package. It's a package. अच्छा बोल. Positive energy. ये present भी अपने आप को अच्छा. It's a package. जैसे हुमायूं सईद है, you know, he's a package. He's an amazing guy. Thank you so much. You are a producer, but you speak so well. You can host a show with me sometime. Thank you so much. अंदर से all love your work. अंदर से कदाकार है ना. मैं ये सोच रही पूरा शो इनके साथ होता तो मैं क्या करती. इस बात से ये तय होता है कि अब जो गाना है ना वो जिशान भाई आप दोनों गाएंगे. मैं इजाजत ले रही हूँ. आप लोगों का बहुत शुक्रिया हुमायूं. थैंक यू सो मच. आई लव स्पेंडिंग द डे विथ यू. यू आर अ ग्रेट एक्टर. मैं आपको बताऊँ शूट पे बारिश हुई, काफी देर हमें वेट करवाया, हमने वेट करवाया इनको, बट ही इज बीन रियली पेशेंट एंड रियली गुड. सो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि बड़े गुस्से वाले हैं तो गुस्सा तो कभी कभी आ ही जाता है किसी को. थैंक यू वंस अगेन. आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया शो देखने का. अपना फीडबैक देना नहीं भूलिएगा. मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते एक नए शो के साथ, कुछ नई मजेदार बातों के साथ. तब तक रखिए अपना और अपने साथ साथ दूसरों का ख्याल. मुझे दीजिए इजाजत मगर हुमायूं का नहीं. ही इज गोना सिंग अ सॉन्ग फॉर यू. कहानियों के एक परे हाथ ना कभी लगे, आज मेरी बाहों में है
ये दिल खुशी से झूम के यूं गुब्बार की तरह निकला मेरे हाथों से। मौसम है ठंडा मुस्कुराए चंदा, क्या करे ये बंदा दिल खुशी से उछा। अच्छा भाई, आई लव दिस सॉन्ग। इसके लिरिक्स मुझे याद नहीं है पूरे, लेकिन ये बहुत अच्छा गाना है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हमें बड़ा अच्छा लगा भाई, हमने आपने हमारे लिए गाया और हमारे ऑडियंस के लिए गाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।